लोक में साकार रूप में अगर कोई भगवान है तो वो माँ ही होती है। वो कहानी तो आपने सुनी होगी कि बालक प्रेमिका के चक्कर में पुत्र पड़ गया और प्रेमिका से कहता है कि मैं तुम्हारे प्रेम के लिए कुछ भी करूंगा। वो कहती है कि कुछ भी करोगे तो माँ का दिल निकाल कर लेकर आ जाओ। ये कहता है कि तुम प्रसन्न हो जाओगी। इसने कह दिया कि हाँ प्रसन्न हो जाऊंगी, माँ का दिल निकाल कर ले आओ। ये रात में गया, माँ भोजन की थाली लिए बैठी रही। माँ ने सोचा अभी तक बेटा नहीं आया, ये रात्रि को गया शराब आदि पी करके और बड़ा सा छुरा लेकर के गया। माँ से चीख कर कहता है तू अभी तक नहीं सोई। माँ कहती है बेटा तूने भोजन नहीं किया है, तू भूखा है, यही आखिरी सहारा है, यही है विधवा माँ है, यही बेटा इकलौता सहारा है माँ का। इसलिए माँ थाली लेकर बैठी है, भोजन कर ले लाला, भोजन कर ले बेटा। लेकिन बेटा चीख कर कहता है तू सोती क्यों नहीं। माँ कभी भी बालक को भूखा नहीं सोने देती, खुद भूखी सो सकती है। चीखा तो माँ ने कहा बेटा तू भोजन कर लेना, और माँ चुपचाप भीतर चली गई और जा करके सो गई। और जब सो गई तब ये रात्रि में खड़ा हुआ और माँ की छाती पर इसने बार बार लगातार वार किए और खून की धारा बह निकली और इसने माँ की छाती से, जिस छाती से इसने दूध पिया था उसी को खंजर से भोंक करके इसने लहू लुहान कर दिया। और माँ के जो कलेजा जो दिल है उसको निकाल कर, मांस के लोथड़े को निकाल करके हंसता मुस्कुराता दौड़ता जाता है कि मेरी प्रेमिका खुश हो जाएगी, प्रेमिका को मना लूंगा। नीचे ऊपर कुछ नहीं देखता, बावला हुआ दौड़ा चला जा रहा है तो रास्ते में ठोकर लगी और ये गिर गया। इसके हाथ से छूट कर वो मांस का लोथड़ा, वो माँ का दिल भी गिर गया, ये भी गिरा, माँ का दिल भी गिरा। पर ऐसी अवस्था में भी उस मरी हुई माँ के दिल से भी ये आवाज आई, मेरे लाल तुझे चोट तो नहीं आई, मेरे लाल तुझे चोट तो नहीं आई। वो मरी हुई माँ के दिल से भी ये आवाज आई, मेरे लाल तुझे चोट तो नहीं आई। ऐसी होती है माँ, माँ से बड़ा इस धरती पर कोई नहीं है।